अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मोटर ट्रेंड डॉट के। आप लोगों को जैसे कि पता है मैंने सुजुकी जी डी 110 एचयू ली है, 2014 मॉडल है। आज हम इस बाइक की जो फ्यूल एवरेज वो चेक करेंगे। सबसे पहले हम पेट्रोल पंप पे चलते हैं और उसकी पेट्रोल लगवाते हैं, उसके बाद अपने सफर का आगाज करते हैं। आज है 14 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे है आज, और इस टाइम हम लोग बाइक के अंदर पेट्रोल डलवा रहे हैं। आज पेट्रोल की जो प्राइस है वो भी डिक्रीज़ हो चुकी है और बाइक के अंदर हम लोगों ने 270 रुपीज़ का पेट्रोल डलवाया है, और देखते हैं कि हमें आज जो बाइक है वो क्या माइलेज फ्राहम करने वाली है। तो अभी इसको 0-0 करते हैं और इसकी हम माइलेज चेक करेंगे क्या माइलेज देती है 1 लीटर के अंदर। तो राइड स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट कह लें कि मोटो व्लॉग होगा, जिसके अंदर हम लोगों ने बाइक के अंदर पेट्रोल डलवा लिया है और देखते हैं कि 1 लीटर के अंदर आज हमें बाइक क्या माइलेज देती है। तो सुजुकी जीडी 110 की अगर बात कर लें, ये जो वेरिएंट है ये जीडी 110 एचयू है, जिसके अंदर सेल्फ नहीं आता था और इसके अंदर आप स्पोक्स रिम मिल जाते थे, और इस टाइम ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है। अगर आप लोगों ने मेरा बाइक का रिव्यू देखा हो, उसके अंदर मैंने इस बाइक के बारे में डिटेल बताई है। बाकी ये हमारा जो सफ़र स्टार्ट हो चुका है और राइड बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, और अभी हम लोग जो है 60-80 की स्पीड पर अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। तो जहाँ तक फ्यूल माइलेज की बात है तो वो डिपेंड करता है आपके बाइक चलाने पर, आप कितनी स्पीड पर बाइक चलाते हैं। अगर कांस्टेंट आप एक स्पीड पर रख के अपनी बाइक को चला रहे हैं, उससे ये होगा कि आपकी जो बाइक है आपको बहुत ही अच्छी फ्यूल माइलेज फ्राहम करेगी। और इसके अलावा एक और चीज़ भी है, अगर तो आपका इंजन जो डाउन है या तो उसकी क्लच प्लेट्स का काम होने वाला है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बाइक की जो माइलेज है वो डिपेंड करती है इन चीज़ों पर। तो सबसे पहले आज जो है हम लोग देखेंगे कि क्या फ्यूल माइलेज देती है। उसके अलावा जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो ये कि हमारी जो बाइक का इंजन थोड़ा सा डाउन है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी सुजुकी जीडी 110 पर मेरी, उसमें हम लोग बाइक का प्रॉपर जो है हम लोगों ने इसके इंजन का काम भी करवाना है। बाकी ये कि ये मेरा फर्स्ट बाइक है 110 सीसी, उससे पहले आपने देखा होगा मेरे चैनल पे कि मैंने होंडा सीजी 125 भी लिया, उसकी रजिस्ट्रेशन की, होंडा सीडी 70 उसकी भी रजिस्ट्रेशन की। तो इन दो बाइक्स का तो काफ़ी ज़्यादा मुझे नॉलेज है, लेकिन सुजुकी जीडी 110 जो है ये हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम ली है, और अभी हम इसको चलाएंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और किन किन चीज़ों का हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। बाकी मैंने इसके छोटे मोटे काम करवाए हैं, जिसमें इसका सीट कवर था और इसके फ्रंट व्हील और रियर व्हील के जो बैरिंग थे उनको चेंज किया हम लोगों ने। बाइक का जो शाफ्ट है, गियर शाफ्ट है, उसके बैरिंग का थोड़ा सा इशू लग रहा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसका प्रॉपर जो है वो इंजन जो है वो डिसेंबल करवाएंगे, और उसमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी चेंज करने के लिए वो हम करेंगे, जिसमें इसका रिंग पिस्टन आ जाता है, उसके अलावा वॉल्व्स आ जाते हैं और क्लच प्लेट्स आ जाती हैं, और बाकी बैरिंग चेंज करेंगे ताकि हमारी जो राइड है वो और स्मूथ हो सके। तो आप लोग देख सकते हैं कि रश भी जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और ये पाकिस्तान का फ्लैग आप देख सकते हैं गाड़ियों के ऊपर लगा है, और काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर देख सकते हैं गाड़ी पे लोग सवार हैं पाकिस्तान के झंडे के साथ। तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बाइकर्स भी मौजूद हैं जो वीडियो बना रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा आज मेरा फर्स्ट मोटो व्लॉग है, मैं आपको अच्छे से इंटरटेन कर सकूँ। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रश है, और बाइक पे ये फ़ायदा है कि आपको रास्ता मिलता जाता है और आप बाइक इजीली निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे गाड़ियों का भी काफ़ी ज़्यादा रश है, उसके अलावा देख सकते हैं गाड़ी ख़राब हुई है तो यहाँ पे इस वजह से थोड़ा सा रश था, खैर कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने इस टाइम जो है 13 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय कर चुके हैं। बाकी जो है मैं नॉर्मल बाइक को जो है 60 की स्पीड पे ही चला रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमें एक होंडा सिटी 70 वाला क्रॉस करके गया है, तो हमें भी थोड़ी सी अपनी बाइक की जो है स्पीड बढ़ानी चाहिए। चेक करते हैं कि हमारी जो बाइक है इस कंडीशन के अंदर, इसका जो रिंग पिस्टन जो है थोड़ा सा वीक है, तो देखते हैं कि ये
इसकी जो टॉप स्पीड है वो क्या है। मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि बाइक जो है इस टाइम वो 80 की स्पीड पर है। तो अभी कैमरे को मैं थोड़ा सा जो है ना वो आगे ले जाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि बाइक की जो टॉप स्पीड वो क्या है। तो आप देख सकते हैं कि बाइक जो है वो टॉप स्पीड जो है 100 दे रही है हमें। इस टाइम जो मेरा कैमरा है वो बिल्कुल पिछली साइड पे ऐसे लग रहा है जैसे बाइक जो है वो 97 to 98 पर है, लेकिन बाइक जो है इस टाइम पूरी 100 पर है। भी जो है मैंने अपने दोस्त के मुझे थोड़ा सा काम था वहाँ पे, मैं कुछ देर स्टे करूँगा और उसके बाद जो है हम वापस अपने घर की तरफ रवाना होंगे और देखेंगे कि कितनी हमें इस बाइक ने 1 लीटर पेट्रोल के अंदर माइलेज फ्राहम की है। तो आप देख सकते हैं वापस हम घर के लिए रवाना हो रहे हैं और रात हो चुकी है। रात का जो सफ़र है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इस टाइम मैं हाईवे पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं गाड़ियों का भी काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे, और आगे जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा आगे रश होने वाला है। रश ज़्यादा होने की वजह से मैंने अपना कैमरा ऑफ़ कर दिया था और हमारी बाइक में जो पेट्रोल ख़त्म हो चुका है और देख सकते हैं 47 की माइलेज फ्राहम की है बाइक ने। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो ख़त्म, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे।